राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर जान लीजिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा आज रायपुर जाएंगे। दोपहर बाद रायपुर पहुंचेंगे भूपेंद्र हुड्डा और आज रायपुर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस विधायकों की संख्या 29 हो जाएगी। कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं हरियाणा के राजीव शुक्ला, वो कल रायपुर पहुंच गए थे। रायपुर पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ एक मीटिंग भी की थी। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन भी रायपुर में मौजूद है और सभी विधायकों को एकजुट करने का प्रयास है। कांग्रेस का एक भी वोट इधर उधर हुआ तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं कांग्रेस की, कांग्रेस उम्मीदवार की। हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, उम्मीद है कि 31 के 31 विधायक रायपुर पहुंच जाएंगे और वहां एक साथ में मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि कल राजीव शुक्ला ने मीटिंग की थी और यह दावा किया था कि 31 के 31 वोट भी अजय माकन को पड़ेंगे, कांग्रेस उम्मीदवार को पड़ेंगे। आज भूपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं तो रणनीति तो बहुत बड़ी है कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए कमल, कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका एक भी वोट इधर से उधर जाए राज्यसभा चुनाव के दौरान, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज रायपुर जाएंगे। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रायपुर नहीं गए थे, सांसद दीपेंद्र हुड्डा वहां पर मौजूद थे और जो पार्टी के नेता थे वो गए थे विधायकों के साथ, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री आज रायपुर पहुंचेंगे। दोपहर बाद उनका रायपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। कल राजीव शुक्ला भी रायपुर पहुंचे थे। अब जो तमाम बड़े नेता है अब रायपुर में मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पहुंच जाएंगे। पार्टी की तरफ से दो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जिनमें भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो खुद रायपुर में मौजूद है। जो दूसरे पर्यवेक्षक है राजीव शुक्ला वो भी पहुंच गए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं विधायकों की बैठक ली जाएगी। विधायकों की लगातार जो प्रशिक्षण कैंप है, ट्रेनिंग है, वो लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक भी वोट इधर से उधर न जाए। फिलहाल अगर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचेंगे तब कांग्रेस विधायकों की रायपुर में कुल संख्या 29 हो जाएंगी। सिर्फ दो विधायक जो रायपुर नहीं गए, कुलदीप बिश्नोई जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, एक किरण चौधरी जिनकी तबियत खराब बताई जाती है वो रहेंगे। किरण चौधरी का वोट कंफर्म है कांग्रेस के साथ ही है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर पार्टी थोड़ा डाउट में है, लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता वो भी कुलदीप बिश्नोई से लगातार संपर्क कर रहे हैं। बड़े नेता भी कोशिश कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी से दूर न जाएंगे। अब अनिल, एक बार दर्शकों को आप समझाएंगे कि अगर कांग्रेस का एक भी वोट अगर कांग्रेस को नहीं पड़ता है मान लीजिए, तो उसके बाद कांग्रेस को किस तरह से नुकसान हो सकता है और कार्तिकेय शर्मा के लिए किस तरह अब अजय माकन से आगे जाने की जो उम्मीद है उनकी बढ़ जाएगी। देखिए कमल, अगर कांग्रेस की बात करें आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के 90 विधायक है, जो पहला उम्मीदवार है कृष्णलाल पवार बीजेपी के उम्मीदवार है, वो 31 वोटों के साथ राज्यसभा में चले जाएंगे। फिर उसके हिसाब से देखा जाए कांग्रेस के पास 31 विधायक है। अगर कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज चल रहे हैं, अगर लगा रहा हूं अगर कुलदीप बिश्नोई वोट न दे या खिलाफत में वोट कर दे, कांग्रेस के 30 विधायक बच जाएंगे कमल। 30 विधायकों के साथ भी अजय माकन राज्यसभा में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई कांग्रेस विधायक टूट जाता तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस तमाम पहलुओं पर बात कर रही है, क्योंकि ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा के साथ है, निर्दलीय विधायक है। ऐसे में बल्लाज कुंडू पर भी कांग्रेस ने नजरें टिकाई हुई है। कांग्रेस की कोशिश है कि अगर कांग्रेस का एक दो वोट इधर उधर हो जाता है तो वो बल्लाज कुंडू को अपने साथ खड़ा कर ले, बल्लाज कुंडू का वोट अजय माकन के समर्थन में डलवा ले, तब भी कांग्रेस सुरक्षित हो जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस के दो या उससे ज्यादा विधायक टूट जाते तब कांग्रेस के लिए दिक्कत आ जाएगी। तो कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहता। अगर एक वोट इधर से उधर हो जाए तो कांग्रेस के पास प्लान भी है। बल्लाज कुंडू से उनकी बातचीत चल रही है, कोशिश करेंगे कि बल्लाज कुंडू अजय माकन के समर्थन में वोट दे दे, लेकिन अगर ज्यादा वोट कांग्रेस के चले जाते हैं इधर से उधर खराब हो जाते हैं तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए। बिल्कुल, आपने सही तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, बहुत अहम जानकारी आपने साझा की है और बताया है कि कैसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा अब जा रहे हैं रायपुर और वहां जाकर पूरा जोर लगाएंगे कि कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करके और अजय माकन को राज्यसभा तक पहुंचाया जा सके। लेकिन ये जो रहा है वो कार्तिकेय शर्मा ने काफ़ी मुश्किल कर दी है कांग्रेस उम्मीदवार की, क्योंकि वो खुद अब राज्यसभा जाना चाहते हैं और उनकी अपनी खुद की एक रणनीति है।